जनपद की तीनों नदियों के बढ़ते जलस्तर के साथ राप्ती नदी पूरी उफान पर है। नदी का पानी नौसर पुलिस चौकी के बगल से बहरामपुर गांव तक पहुंच गया है। स्थानीय लोग अब नाव का सहारा लेकर अपना काम निपटा रहे हैं। आपको बता दें कि राप्ती नदी का पानी अपने चरम सीमा पर है। नौसर पुलिस चौकी से मात्र 8 से 10 फीट की दूरी पर बाढ़ का पानी आ चुका है तथा नौसर पुलिस चौकी के बगल में जो बंधा है उसके लेवल में आ चुका है। जिसके संबंध में एडीएम FR राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में सरयू और राप्ती नदी चढ़ाव पर है। बाढ़ से 243 गांव प्रभावित हुए हैं। 350 नावें लगाई गई हैं। तटबंधों के रिसाव पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, पानी नहीं आया। कवर हो गया है सब। ब्लीडिंग उनका 3 दिन बाद आई सी यू के सीन है। अरे वो खराब हो जाए पहले सर, नदियों की स्थिति और कितने गांव प्रभावित और कितने नाव भी। जनपद गोरखपुर में सरयू अभी चढ़ाव पे है, राप्ती भी अभी चढ़ाव पे है। आज की तिथि में हमारे 243 ग्राम प्रभावित हो गए हैं। 350 नाव संचालित है। बंधों में कहीं कहीं रिसाव की सूचना आ रही है और उसको युद्ध स्तर पर उस रिसाव को रोका जा रहा है। और हम लोगों को पूरा आशा है कि हम सब लोग बंधे का रिसाव रोक लेंगे और यदि पानी पीछे नहीं बरसा कहीं पे भी तो कोई अप्रिय स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। सर, बाढ़ की तो क्या व्यवस्था है? बाढ़ में राहत सामग्री का वितरण हो रहा है, भूसे का वितरण हो रहा है और सभी तहसीलों में पर्याप्त राहत सामग्री भेजी गई है। जो भी निडी लोग हैं, जो भी विस्थापित हो गए हैं या जिनके यहाँ गाँव मैरूंड हो गया है, सभी को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है।